कुम भाग्य में लॉयर सबसे प्रज्ञा का सही स्टेटमेंट लाने को कहता है ताकि वो अभी की बेल करा सके, पर आलिया उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। वहीं कॉपरेटर चौकी आता है और प्रज्ञा को बाहर आने के लिए कहता है। तब प्रज्ञा उसे उसकी हार के लिए उसे ताना मारती है, पर कॉरपोरेटर उल्टा उसे अपना आगे का प्लान सुनाते हुए कहता है कि मैंने जानबूझकर उस दिन अभी को अपने खिलाफ उकसाया था ताकि वो जेल चला जाए और फिर मैं वहाँ उसकी पिटाई करवा सकूं और साथ ही कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल भी तुड़वा दूं। वो प्रज्ञा को बताता है कि मैरिज हॉल पर लगा 2 दिन का स्टे ऑर्डर अब खत्म होने को आया है और कल सुबह होते ही वो उस हॉल को गिरवा देगा। प्रज्ञा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो खुशी खुशी अभी से मिलने जाती है, पर अभी उसे देखते ही भड़क जाता है। वो उसे इग्नोर करती हुई उसकी बेल की बात करती है। घर पहुँच कर तनु प्रज्ञा को ताना मारती है और दादी के वापस आने की खबर सुनाती है।